अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज संडे है, संडे को आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ, तो चलो शुरू कर दें। आज का जो पहला रिक्वेस्टेड वर्ड है वो है जी लीनियंट। लीनियंट जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट और हार्श इन एनफोर्सिंग रूल्स और स्टैंडर्ड्स। देखिए, जब जो बड़े होते हैं ना वो छोटों के साथ अगर लीनियंट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत नरम मिजाजी से जो है वो उनके साथ उनका रवैया है, मतलब वो नरम हो रहे हैं। नरम होने को लीनियंट होना कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आप समझ लीजिए स्ट्रिक्ट का जो है ना वो एंटोनिम है, मतलब उसका ऑपोजिट है ये लीनियंट होना। स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये है कि आप बहुत सख्त हो रहे हैं। आप जो भी घर में, जैसे घर में पेरेंट्स अगर स्ट्रिक्ट है तो इसका मतलब है कि वो जो भी रूल्स उन्होंने घर में बनाए हुए हैं वो उसको बड़े सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं बच्चों से, तो स्ट्रिक्ट है। और अगर पेरेंट्स लीनियंट है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा सख्ती नहीं करते हैं बच्चों के ऊपर। ठीक है, बच्चों को भी एक स्पेस दी हुई है कि हाँ ठीक है आपने ये करना है वो करना है, मतलब बहुत कम चीजों पर वो डांटते हैं, ठीक है। तो लीनियंट है नरम मिजाज होना। ऑफिस में बॉस अगर लीनियंट है तो इसका मतलब है कि वो नरम मिजाज है, कुछ रूल्स के ऊपर स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करता, ठीक है। तो नरम मिजाज कोई इंसान है तो उसको लीनियंट कहेंगे। कोई पॉलिसी है जो कि बहुत सख्त नहीं है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है, उसमें लोगों के साथ काफी नरमी की गई है तो वो पॉलिसी लीनियंट हो सकती। कुछ रूल्स हैं वो जो कि इतने सख्त नहीं है, नरम रूल्स हैं, तो उनको आप लीनियंट रूल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो लीनियंट एडजेक्टिव है और इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। माई पेरेंट्स आर क्वाइट लीनियंट, दे अलाउ मी टू स्टे एट माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। वो क्या है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो काफी लीनियंट है, मतलब वो काफी नरम है, ज्यादा सख्ती नहीं करते हैं, मतलब कि वो मुझे मेरे फ्रेंड्स के घर में रहने की मुझे इजाजत देते हैं, अलाउ करते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं इजाजत देते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के घर जाकर वहां पर रात गुजार लें, ठीक है। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो लीनियंट है, इसके मतलब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली कि मेरे पेरेंट्स जो है वो काफी नरम है, वो मुझे इस चीज की इजाजत देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एज अ बॉस यू शुडंट बी सो लीनियंट, मतलब अगर आप बॉस हो तो आपको लीनियंट नहीं होना चाहिए, आपको नरम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने जो भी आपके मतलब आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे आप सही तरीके से काम नहीं करवा पाएंगे, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है ये नाउन है, इसका मतलब होता है, आपको एटीट्यूड का उर्दू में बता देती हूँ, जिसको हम रवैया बोलते हैं। इंसान का जो रवैया होता है वो एटीट्यूड होता है। अब वो क्या होता है कि एक इंसान के सोचने का अंदाज कैसा है, हमारा रवैया कैसे बनता है, हमारी सोच से बनता है। हमारे सोचने का जैसा अंदाज होता है और हम अंदर से जैसा फील कर रहे होते हैं, हम दूसरों के साथ वैसा ही रवैया जो है वो अपनाते हैं। अब ये रवैया जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। कहते हैं कि बड़ा एटीट्यूड है उसके अंदर, कहने का मतलब पता है क्या है ये कि बड़ा एटीट्यूड है उसके अंदर, मतलब कि उसके अंदर बहुत गुरूर है। तो वो गुरूर भी तो एक रवैया है। अब वो रवैया कैसे आता है, सोच से आता है। अगर इंसान अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाए दूसरों से तो वो जो है उसके अंदर एक गुरूर आ जाएगा, ठीक। तो अगर वैसे एटीट्यूड मतलब समझ लीजिए कि एटीट्यूड का मतलब होता है आपका रवैया, ठीक। अब जैसे ये है हिज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चैलेंजेस मेक्स हिम अ ग्रेट टीम लीडर। किसी इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव है, मतलब उसका जो सोचने का जो स्टाइल है ना वो उसका पॉजिटिव है, उसका रवैया पॉजिटिव है, उसके सोचने का स्टाइल पॉजिटिव है। और चूंकि वो हर सिनेरियो में पॉजिटिव सोचता है तो इस वजह से जो चैलेंजेस भी होते हैं जिंदगी में आते हैं वो उनमें से भी बड़े अच्छे तरीके से निकल जाता है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग जो होते हैं वो मुश्किलात से निकल जाते हैं अच्छे तरीके से, और वही उसको एक अच्छा टीम लीडर बनाता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास द स्टाफ्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मी वाज क्वाइट रूड। अब ये भी देख लेना, रवैया आ गया, ठीक। कि जो स्टाफ जो था, किसी भी जगह पर आप गए वहाँ का जो स्टाफ था उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो रवैया था आपकी तरफ, वो बहुत ही रूड था, बदतमीजी वाला रवैया था, ठीक। नेक्स्ट जी हमारे पास वो है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेंशन अ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन। अच्छा, इसको उर्दू में समझ लीजिए, इन्यूमरेट का मतलब है दोहराना, मतलब किसी चीज को एक एक नहीं दोहराना नहीं सॉरी गिनवाना, किसी चीज को एक एक करके गिनवाने को हम जो है ना उसको हम इन्यूमरेट करना कहते हैं। ठीक है, एक एक करके ये हुआ फिर ये हुआ फिर भी ये हुआ, या उसमें ये चीज है ये चीज है ये चीज है, हम एक एक करके जो चीज है उसको गिनवाते हैं ना दूसरे इंसान को, उसको इन्यूमरेट करना कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं इसमें बताती हूँ सेंटेंस में। इन हर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन में, शी इन्यूमरेटेड द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अ मॉर्निंग वॉक। उसने जो है वो सुबह की जो वॉक होती है, सुबह की जो सैर होती है, उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मतलब उसके सेहत के कौन से जो उसके फवायद हैं, उसको उसने इन्यूमरेट किया, मतलब उनको गिनवाया, मतलब एक एक करके बताया कि देखिए जी इसका ये फायदा है। अगर सुबह जो है ना, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, सुबह की सैर के लिए निकलते हैं, तो उसके कितने फवायद हैं, एक एक करके उसने गिनवाया कि ये फायदा है, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा। जितने भी उसने हेल्थ बेनिफिट्स उसके थे, जो भी सेहत के लिए जो फवायद थे, उन सबको इन्यूमरेट किया, मतलब एक एक करके गिनवाया उसने। इसी तरह से ही enumerated the reasons why he believed the plan would fail। ठीक, मतलब उसने enumerate किया, उसने गिनवाया, पता नहीं मैं बार बार दोहराया, गिनवाया उसने the reasons, वो जो भी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे वो समझता था कि ये प्लान जो है ये फेल हो जाएगा, ये कामयाब नहीं होगा, उसने वो तमाम रीजंस जो है वो एक एक करके उसने इन्यूमरेट किए, मतलब एक एक करके उसने गिनवाए कि भाई देखो इस इन वजूहात की बुनियाद पे मैं ये समझता था कि ये जो प्लान है ये कामयाब नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा। तो इन्यूमरेट करने का मतलब ये होता है कि वन बाय वन किसी चीज को गिनवाना आपने। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी इनंसिएट। इनंसिएट जो है ना, ये वर्ब है और इसके दो मतलब है। एक तो है, पहला मतलब जो है वो तो है कि किसी चीज को, किसी वर्ड को क्लियरली जो है ना वो मतलब प्रोनाउंस करना या कहना, इस अंदाज से कहना कि दूसरे इंसान को वो चीज साफ, वो जो भी आप बात बोल रहे हैं वो उसको साफ समझ में आ जाए। आपने क्लियरली उसको प्रोनाउंस किया, क्लियरली उसको कहा अपनी जुबान से अदा के, इसको एनंसिएट करना कहते हैं। ठीक है, इसका सेकंड मीनिंग यह है कि टू एक्सप्रेस और स्टेट समथिंग क्लियरली एंड डेफिनेटिवली, मतलब कि आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे लेकिन बहुत साफ अंदाज से एक्सप्रेस करें कि दूसरे इंसान को आपका पैगाम समझ में आ जाए, जो आप कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाए। आपको समझ में आई बात? जो दोनों मतलब मिलते जुलते हैं, लेकिन सारी बात है कि दोनों में डिफरेंस है। एक तो है कि किसी चीज को प्रोनाउंस करना, जुबान से किसी लफ्ज को, किसी जुमले को अच्छे तरीके से बोलना, प्रोनाउंस करना, क्लियर अंदाज में करना। कुछ लोग होते हैं ना वो मुंह के अंदर ही बोल देते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है। या अक्सर आप फोन पे बात कर रहे हो, आपने कोई कुछ बोला और दूसरे इंसान को नहीं समझ में आया, तो वो आपको कैसे कैसे दोबारा से बोलना मुझे नहीं समझ में, तो अब आप एनंसिएट कर रहे हैं, मतलब आप आहिस्ता से ठहर के बोल रहे हैं ताकि दूसरे इंसान को समझ में आ जाए कि आप क्या बोल रहे हैं। इसको भी एनंसिएट करना कहते हैं। और एक होता है कि जो आप पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, जो चीज आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी सोच को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई अपना आइडिया एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको क्लियर अंदाज में दूसरों तक पहुंचाना, उसको भी इनंसिएट करना कहेंगे। तो ये दोनों सेंस में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे कि द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी टू एनंसिएट माय नेम स्लोली, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट थी उसको मेरा नाम समझ में नहीं आया, तो उसने फिर मुझे कहा कि काइंडली अपना जो नाम है उसको इनंसिएट करें, मतलब प्रोनाउंस करें स्लोली, ताकि मुझे समझ में आए कि आपका नाम क्या है, ताकि मैं उसको राइट डाउन कर सकूं। ठीक, अब इसी तरह से सेकंड इसका जो सेंटेंस है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर द एबिलिटी टू एनंसिएट आइडियाज इफेक्टिवली, कि जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, उसमें जिस इंसान के अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, तो वो क्या करता है, वो अपने आइडियाज को, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आइडियाज को दूसरे इंसान लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर देता है, लोगों को समझ में आ जाती है कि उसका क्या आइडिया, वो क्या कहना चाहता है। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर करती है इस एबिलिटी को कि आप दूसरों तक अपना पैगाम जो है वो सही तरीके से, मौसर अंदाज से पहुंचा सके, ताकि दूसरों को आपके पैगाम की समझ आ सके। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी इरिटेटिंग। आपने बड़े सिंपल से सादा से जो ना वर्ड्स, मेरे से बेसिक वर्ड्स पूछे हुए इस दफा। अच्छा, इरिटेटिंग जो है एडजेक्टिव है, और इसका मतलब ये होता है कोई चीज, किसी का रवैया, किसी की बात, किसी का एटीट्यूड, किसी की कोई हरकत, वो इरिटेटिंग हो सकती है आपके लिए अगर वो आपको गुस्सा दिला रही है, आपको तंग कर रही है, किसी की कोई बात वो आपको इरिटेट कर रही है उसकी बात। समटाइम्स होता है किसी ने कोई जुमला बोला दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो सारा दिन वो जुमला जो है ना वो आपको इरिटेट करता रहता है, मतलब ऐसा तल्ख जुमला को, मतलब आपको तंग करता रहता है सारा दिन, आपको गुस्सा दिलाता रहता है, आपको चिड़चिड़ा करता रहता है, तो इरिटेट कर रहा है वो। इससे तो कोई इंसान अक्सर छोटे बहन भाई जो होते हैं वो एक दूसरे को इरिटेट करते, तंग करते, जानबूझकर आते जाते तंग करेंगे, तो वो इरिटेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब तंग करना इस अंदाज से, इरिटेट का मतलब ये होता है कि आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, आपको चिड़चिड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो वो इरिटेट हो रहे हैं आप। अच्छा जी, इसका सेंटेंस क्या है? द कांस्टेंट बजिंग ऑफ मॉस्किटोस वाज हाईली इरिटेटिंग एट नाइट। अब रात को अगर मच्छर कांस्टेंटली आपके कान के पास आके जो वो बजिंग करते हैं करते आकर, वो कितना इरिटेटिंग होता है। वो इरिटेटिंग है मतलब इंसान को गुस्सा आता है, इंसान की तबीयत जो है वो चिड़चिड़ी सी होने लगती है। नेक्स्ट हमारे पास शी फाउंड हिज एरोगेंट एटीट्यूड इरिटेटिंग। किसी का जो एरोगेंट एटीट्यूड होता है ना वो भी इरिटेटिंग होता है, इंसान को गुस्सा दिलाता है कि भाई इसको किस चीज का इतना घमंड है। ठीक है ना, तो इरिटेटिंग मतलब गुस्सा आता है इंसान को मतलब बुरा लगता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी विंडिक्टिव। विंडिक्टिव को मेरा ख्याल है मैंने इस वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे चैनल के ऊपर इसकी वीडियो पड़ी होगी। अच्छा, विंडिक्टिव एडजेक्टिव है, इसका क्या मतलब है? इंतकामी इंसान को आप विंडिक्टिव कहेंगे। वो इंसान जिसके अंदर इंतकाम लेने की ख्वाहिश होती है ना, और वो जो इंसान जो कहता है कि जिसका किसी के रवैये को भी आप विंडिक्टिव एटीट्यूड कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं, किसी इंसान को भी विंडिक्टिव कह सकते हैं, जिसके अंदर ये चीज हो कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है ना तो मैंने इसका लाजमी बदला लेना है। मतलब विंडिक्टिव लोग जो है ना ये मर्सी शो नहीं करते हैं, ये किसी इंसान को मतलब माफी नहीं देते हैं। माफ दो ही रास्ते होते हैं ना, आपके साथ गलत हुआ माफ कर दें, आप मूव ऑन कर जाएं, या आप बदला लें। तो विंडिक्टिव लोग जो होते हैं ये बदला लेते हैं, इंतकामी किस्म के लोग होते हैं। अच्छा जी, क्या हो गया इसका सेंटेंस? हर विंडिक्टिव नेचर लेड हर टू सीक रिवेंज ऑन दोज हु हैड रॉन्ग्ड हर। उसका जो विंडिक्टिव नेचर है मतलब उसकी जो तबीयत है वो ही ऐसी है कि बड़ी इंतकामी किस्म की है उसकी नेचर। तो वो क्या है कि वो हर उस इंसान से बदला लेती है जिसने उसके साथ जरा सा भी कुछ गलत किया होता है। ठीक, डिस्पाइट हर एफर्ट्स टू मेक अमेंड्स, मतलब उसकी कोशिशों के बावजूद कि वो चीज़ों को ठीक कर ले। मेक अमेंड्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपस में मसले मसाइल होते हैं उनको ठीक करना। ठीक है, ही रिमेड विंडिक्टिव टूवर्ड्स हर, वो फिर भी उसकी तरफ इंतकामी रहा, मतलब कुछ ना कुछ वो उसे बदला लेने के लिए उसको नुकसान पहुंचाता रहा, जबकि उसने कोशिशें की हैं डिस्पाइट हर एफर्ट्स, उसकी इन कोशिशों के बावजूद कि वो चीज़ों को उसने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की है, बट ही रिमेन विंडिक्टिव मतलब वो इंतकामी ही रहा है। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन इंटरेस्टिंग था। आपके तमाम वर्ड्स हो गए होंगे, जो बाकी रह गए हैं वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करूँगी। कुछ और आप जानना चाहते हैं इस लेसन में, आप नीचे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं उन वर्ड्स को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।